नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं VLS फाइनेंस लिमिटेड पे, जिसका कि शेयर प्राइस BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर 407 रुपये 80 पैसे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे में यह शेयर 1 रुपये 90 पैसा डाउन हुआ है। और BSE एक्सचेंज पर इसका डिलीवरी परसेंटेज जो है 57.34% का है, जो कि क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 4674 और डिलीवरी में लिया गया 2680 क्वांटिटी। और जबकि NSE स्टॉक एक्सचेंज पे इसका डिलीवरी परसेंटेज 50.73%, यानी कि 50.73% का डिलीवरी परसेंटेज रहा, काफ़ी अच्छा रहा इस स्टॉक के लिए। जबकि इस स्टॉक एक्सचेंज पे VLS फाइनेंस लिमिटेड का शेयर प्राइस 407 रुपये, जो कि 3.35 रुपये डाउन होकर के 407 रुपये पर आ गया है। इस स्टॉक का शॉर्ट में डाटा, इसका मार्केट कैप 1420 करोड़ का है, स्टॉक पी 4.36 का, ROC 14.1% का और ROE 11.8% का, जबकि बुक वैल्यू 857 रुपये है। अभी एक करेंट प्राइस 408 रुपये। ये वेबसाइट का नाम है screener.in, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख सकता है। तो अभी भी ये अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है, जबकि 52 वीक का हाई लो 455 रुपये और 182 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.37 का, फेस वैल्यू 10 रुपये। इस स्टॉक में लेटेस्ट अपडेट न्यूज 4/11/2024 का 2 है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये रहा, पहला है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो और दूसरा बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर टू कंसीडर द ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर इंडेड 13 September 2024, यानी कि 30 September 2024। हाँ तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट न्यूज 4 November 2024 का VLS फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि सब्जेक्ट में है इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग से संबंधित जानकारी। इस न्यूज को वीडियो को पॉज करके पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मुझे समझ में आया कि ये 13 तारीख को इसका बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और उसके 48 घंटे बाद तक, यानी कि रिजल्ट निकलने के 48 घंटे बाद तक क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, यानी कि सेबी के नियमों के अनुसार जिन पर्सनों के द्वारा ट्रेडिंग नहीं करना है उनका रिजल्ट निकलने के 48 घंटे बाद तक ट्रेडिंग कुछ भी नहीं चलेगी, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं चलेगी, यानी कि मुख्य मुख्य व्यक्ति एवं उनके रिलेटिव जिनका नाम दर्शाया गया होगा कंपनी के रिकॉर्ड में। इसका पहले भी सूचना दिया गया है, जो कि डेट है 26/3/2024 को क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का। इस अपडेट न्यूज से जाहिर हो चुका है कि 13 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा और 15 तारीख तक क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का नियम हावी रहेगा इस पे, यानी कि उससे ये स्टॉक प्रभावित रहेगा। दोनों न्यूज में सेम पेज है, सो एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ने की कोशिश पक्का करें। बाकी मैं जो बता चुका हूँ, जैसा कि मुझे समझ में आया, एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।